क्या आपको पता है खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है क्या आप ये जानते हैं छिपकली दीवार पर कैसे चल लेती है या इंद्रधनुष कैसे बनता है क्या आप दुनिया की पहली कार रेस के बारे में जानते हैं नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नंबर एक अगर आपको भी रंग और बरसात दोनों बहुत पसंद है तो बारिश के दिनों में इंद्रधनुष देखकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे रंगों वाला इंद्रधनुष बनता कैसे है जिस सूर्य के प्रकाश को हम सफेद समझा करते हैं असल में वो सात अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है जिसे प्रिज्म की मदद से देखा भी जा सकता है इंद्रधनुष बनने में बारिश की छोटी बूंदों का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि ये बूंदे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। एक छोटी सी बूंद में दो सतह होती है सूर्य का प्रकाश जब इन बूंदों के अंदर प्रवेश करता है तो पहली सतह से टकराकर थोड़ा झुक जाता है ऐसा होने पर सूरज के प्रकाश में मौजूद सातों रंग इन बूंदों में प्रवेश के बाद झुक जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं इसके बाद जब सूर्य के प्रकाश में अलग अलग हो चुके रंग दूसरी सतह से बाहर निकलते हैं तो फिर से थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं ऐसे में एक रंग की पट्टी दूसरे रंग से अलग हो जाती है और इस तरह दो बार झुकने के कारण ही आसमान में हमें रंगीन धनुष जैसी आकृति दिखाई देने लगती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं नंबर दो ग्यारह जून अठारह पचानवे को दुनिया की पहली प्रोफेशनल कार रेस हुई थी इस रेस में पहले नंबर पर एमिले लेवासर पहुंचे थे जिन्होंने अड़तालीस मिनट में ग्यारह किलोमीटर की दूरी तय की थी लेकिन उन्हें विजेता नहीं माना गया था दरअसल ये रेस चार सीटर कार की थी लेकिन दो सीटर कार में सवार थे आधिकारिक तौर पर रेस का विजेता पॉल कोचलिन को घोषित किया गया था जो रेस में तीसरे स्थान पर आए थे आप हमें कमेंट करके बताइए आपने कभी किसी रेस में पार्टिसिपेट किया है वे नंबर तीन खाली कमरे में आवाज गूंजती क्यों है आइए जानते हैं कि खाली कमरे में आवाज गूंजती क्यों है आपने कभी ना कभी अपने जीवन में यह अनुभव जरूर किया होगा कि जब कमरा खाली होता है तो उसमें हमारी आवाज गूंजने लगती है कुछ लोगों के लिए यह अनुभव करना मनोरंजन का पात्र बनता है और कुछ लोग ये भी कहकर अपने मन को समझाते हैं कि जोर से मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं भरे कमरे में लगे कालीन फर्नीचर पेंटिंग आदि सभी ध्वनि को अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं परंतु कठोर दीवारें छत और फर्श ये सब ध्वनि रिफ्लेक्ट कर देते हैं जब कमरे में सामान होता है तो वह आवाज या ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं और आवाज हमारे कानों तक नहीं आने देते हैं लेकिन जब कमरा खाली होता है आवाज खाली दीवारों से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है इसकी वजह से हमें आवाज गुंजती हुई प्रतीत होती है नंबर चार छिपकली दीवारों और छतों पर आसानी से कैसे चल पाती है और कई बार दौड़ने भी लगती है आज आपको बताते हैं छिपकली दीवार पर कैसे चिपक जाती है कुछ वक्त पहले तक इसका कारण छिपकली के पंजों और दीवार के बीच वैक्यूम बनना माना जाता था लेकिन असल में इसका कारण छिपकली के पैरों की संरचना में छुपा है छिपकली के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं जिन्हें सीटे कहते हैं हर सीटे में सैकड़ों और बहुत सूक्ष्म होते हैं जो स्पैचुले कहलाते हैं जब ये स्पैचुले दीवार के संपर्क में आते हैं तो वंडर वर्ल्स बल उत्पन्न होता है और इसी बल के कारण छिपकली दीवार पर आसानी से छिपकी रह पाती है छिपकली एक ऐसा जीव है जो सांप से समानता रखता है क्योंकि ये दोनों ही जीव एक ही पूर्वज के वंशज है दुनिया में छिपकली की 50 जातियां और 300 सौ उपजातियां पाई जाती है ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में पाई जाती है नंबर पांच क्या आपको पता है हमारे शरीर की सबसे की छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें